नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। कनाडा फूड पैकिंग वीजा के रिगार्डिंग बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से ऑफर लेटर्स भी व्यूज जो हैं वो फॉरवर्ड करते हैं। बहुत से व्यूज पूछते हैं कि इसकी सक्सेस रेशो क्या है, वीजा के चांसेस क्या होते हैं। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोगों को पता है। ये वीडियो बहुत से फ्रॉड एजेंट्स को बहुत चुभने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में होने वाला है कनाडा फूड पैकिंग वीजा का पर्दाफाश। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कनाडा फूड पैकिंग की बड़ी बड़ी अट्रैक्ट करने वाली एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, जिसमें बताया जाता है कि पैसे सैलरी में से कटवाएं, 1.5 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 3 महीने में वीजा, 6 महीने में वीजा, ये सब कंप्लीटली फ्रॉड है। ये एडवर्टाइजमेंट 4 साल पहले भी इसी तरीके से दिखती थी, आज भी इसी तरीके से दिखती हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि पिछले 4-5 साल में आपका कोई जानकार, आपका दोस्त, रिश्तेदार, जिसे आप पर्सनली जानते हैं, वो कनाडा फूड पैकिंग वीजा पर कनाडा नहीं आया है। सोचने की बात है कि जब ये इतनी इजीली, इतनी आसानी से वीजा ग्रांट करवाने की बात करते हैं, तो कोई आपका नॉन फूड पैकिंग वीजा पे आके डॉलर कमा रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, आपके जानकार ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनके साथ कनाडा फूड पैकिंग वीजा के नाम पे फ्रॉड हो चुका है, लेकिन वो चुप रहते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं। सो डियर, ऐसी फ्रॉड डील से दूर रहिए। अब भी बात करते हैं कि कनाडा का फूड पैकिंग वीजा होता क्यों नहीं है। डियर, आपको पहले भी बता चुके हैं, कई वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं कि कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है जो अपने सिटीजन को बहुत सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है, और वो अपनी कंट्री में किसी को भी एंट्री देने से पहले, वीजा इशू करने से पहले ये देखते हैं कि ये एप्लीकेंट हमारी इकोनॉमी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितना हिस्सा उसमें डाल सकता है, क्या हमारी कंट्री को इस एप्लीकेंट की वजह से फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो सकता है, या ये सिर्फ हमारी कंट्री पर बर्डन बनने वाला है, इधर से पैसा कमा के अपनी कंट्री में भेजने वाला है। सो यही रीजन है कि कनाडा सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर्स, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हो गए, उनको ही इंटरनेशनल लेवल पर वर्क परमिट में वेलकम करता है, और जो अनस्किल्ड वर्कर जैसे फूड पैकिंग, क्लीनर, हेल्पर या लेबर कैटेगरी के लिए कनाडा मैक्सिमम रिक्रूटमेंट लोकल कनाडा या फिर यूएसए ही कर लेता है। सो ये फूड पैकिंग वीजा, हेल्पर वीजा, जो ठीक है ना जी, पैसे सैलरी में से कटवाएं, या फिर इसमें बताया जाता है कि आपका 3 महीने 6 महीने में वीजा, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है। ऐसी डील्स में फंस के आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा और टाइम ही वेस्ट करने वाले हैं। अगर प्रैक्टिकल सोर्सेज की बात करें तो कनाडा के लिए बिजनेस वीजा एक जो है प्रैक्टिकल ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छी बिजनेस प्रोफाइल जो है वो प्रिपेयर करनी होगी। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है बट प्रैक्टिकल है। सो जो इजी प्रोसेस को आप, प्रोसेस में आपको ठीक है ना जी, सपने दिखा के 2, 4, 5, 10,000, 50,000 में वीजा प्रोवाइड करने की बात करते हैं, उनसे अवेयर रहिए। ये कनाडा के लिए हेल्पर फूड पैकिंग जैसी डील्स एक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। सो बच के रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।